स्वागत है आपका राज टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक मेरे स्क्रीन पर आपको एक आईसी दिख रही है। अब इस आईसी में आपको काफी सारी बॉलें नजर आ रही होंगी। कई बार क्या होता है कि आप आईसी बनाते हैं, आईसी बनाते समय कुछ बॉलें मिस रह जाती हैं, नहीं बन पाती, या कुछ बॉलें छोटी बड़ी हो जाती हैं और इसके बाद आपको पूरी आईसी को फिर से क्लीन करके दोबारा रिबॉल करना पड़ता है। यानी कि जितनी मेहनत आपने पहले की दोबारा फिर से आपको उतनी मेहनत लगानी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आपको कभी भी आईसी बनाने में और आईसी की अगर कोई बॉल छोटी या बड़ी हो जाती है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे और कोई बॉल अगर छूट जाती है तो आप कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इस वीडियो को देखने के बाद हमारी इस वीडियो में पूरे बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आप आईसी रिबॉल करते समय क्या गलती करते हैं और अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आपको ये आईसी दिख रही है और इस आईसी के अंदर आपको दो बॉलें मिस दिख रही हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो दो बॉलें मिस हैं, कई बार क्या होता है कि एक बॉल अगर मिस हो गई या दो बॉल मिस हो गई तो आप पूरी आईसी को ही साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, फिर से उसको स्टेंसिल में लगाते हैं, फिर से रिबॉल करते हैं। तो अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या ट्रिक है जिससे कि आप जो बॉलें अगर रह गई हैं, छूट गई हैं, तो आप कैसे उन बॉलों को लगा सकते हैं। अगर आईसी छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं होती और अगर आईसी 1000 बॉलों की है या 1200 बॉलों की है तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईसी को किसी एक चीज में होल्ड कर लेना है जिससे कि आपकी जो आईसी है वो मूवमेंट ना करे। मेरे पास ये आईसी होल्डर भी है जिसमें आईसी मैंने होल्ड कर रखी है। अब आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको पेस्ट लेना है। आप कोई सा भी नॉर्मल पेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेस्ट महंगाई हो तभी आपका काम होगा। आपने इस तरीके से उसको पेस्ट लगा लेना है। अब जिस स्टेंसिल में आपने वो आईसी बनाई है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे इस स्टेंसिल में मैंने ये आईसी बनाई है, इसमें आपको साफ दिखेगा, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये देखेंगे आप। तो जब हम आईसी बनाते हैं तो उस स्टेंसिल के खानों में ये आईसीयों की बॉल जो हैं वो एक्स्ट्रा बॉल रह जाती हैं। तो ये बॉलें लगभग उसी आईसी की बॉलों की साइज की होती हैं। तो आप इसमें इन बॉलों में वो साइज देखकर उन बॉलों को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, एक बार क्लीन कर देता हूँ फिर से, ये देखेंगे आप। तो इसमें से मैं कुछ बॉलें उसी साइज की बाहर निकाल देता हूं। जी आप देखेंगे मेरी दो से तीन बॉलें बाहर आ चुकी हैं और मुझे दो बॉलों की आवश्यकता है। तो मैं एक बार फिर से आईसी जो होल्डर है उसको फिर से एक बार वापसी रखता हूं। जी साफ नजर आ रहा है दिव्या मैम। अब जो बॉलें मैंने बाहर निकाली हैं मैं उन बॉलों को सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से, आप देखेंगे एक बॉल मेरे सर्जिकल ब्लेड में आ गई है, दिख रहा है जी। अब इस बॉल को जहां पर वो बॉल नहीं है वहां मैं इस बॉल को सेट कर दूंगा। आप देखेंगे वो बॉल सेट हो गई। इसके बाद मैं दूसरी बॉल उठाऊंगा, ये देखेंगे आप दूसरी बॉल है और मैंने ये दूसरी बॉल को भी बड़ी आसानी से वहां सेट कर दिया। पेस्ट लगाने का ये बेनिफिट है कि आपकी जो बॉल है वो इधर उधर भागेगी नहीं। तो आप देख रहे हैं मेरी जो दोनों ही बॉलें हैं वो सेट हो चुकी हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें जो हिटिंग है उसको 350 रखना है और जो एयर है उसको बिल्कुल ही डाउन कर देना है, जीरो। जीरो करने के बाद जब आप इस पर हीट मारेंगे तो आप देखेंगे वो बॉल वहीं की वहीं बड़ी आसान से सेट हो जाएगी। आप देख रहे हैं मेरी बॉलें जो हैं वो सेट हो चुकी हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं।
एक बार पूरी आईसी पे हीट मार लेंगे। हमने जो हीट है वो मार लिए है। अब एक बार मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। आईसी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। कभी भी डायरेक्टली आपको गर्म आईसी पे थिनर का प्रयोग नहीं करना है, आपको ठंडा करने दें उसे और उसके बाद फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं थिनर। अब मैं एक बार थिनर से आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। दिख रहा है दिव्या मैम? जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो दो बोलें थी वो दो बोलें स्टेंसिल से किस प्रकार से उसी साइज की बाहर निकाली और उसके बाद यहाँ की जो बॉल थी वो मिस थी, यहाँ की जो बॉल थी वो मिस थी और आप देख रहे हैं मैंने उसी साइज की प्रॉपर बॉल वहां पर रख के हीटिंग लगा के पेस्ट के माध्यम से और वहां दोबारा फिर से वो बॉल बना दी। दोस्तों बात या दो बॉल या तीन बॉल की नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे 7-8 बॉल मिस हो जाती हैं तो उसमें भी आपको दोबारा फिर से आईसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ नॉर्मल तरीके से जिस स्टेंसिल में आपने उस आईसी को रीबॉल किया है उसी स्टेंसिल में आप उसमें से 7-8 बॉल निकाल कर आसानी से वहाँ पेस्ट लगा के फिर से हीटिंग लगा के दोबारा बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि सर ये तो हम कर लेंगे मगर जो बॉलें बड़ी हो जाती हैं उनका क्या सलूशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक आईसी की ये बॉल काफ़ी बड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा तिरछा करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, आपको एक बॉल काफ़ी बड़ी नज़र आएगी, दिख रही है दिव्या मैम? ये बॉल काफ़ी बड़ी है दोस्तों, जिससे कि क्या होगा आईसी सही तरीके से परफेक्ट बैठेगी नहीं। अब इसका क्या तोड़ है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप किस प्रकार से इस आईसी में जो बॉल बड़ी बन जाती है उन्हें छोटा कर सकते हैं, आपको इस सर्जिकल की ब्लेड के माध्यम से उसको हल्का हल्का काट लेना है, कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे मैंने उस बॉल को काट लिया है, मैं थोड़ा सा और काट लेता हूं इसको। आपको ये काम थोड़ा सा सावधानी से करना है, सर्जिकल ब्लेड चलाते समय आपको ध्यान रखना है आपका ब्लेड किसी और बॉल पे ना लगे, अगर किसी और बॉल पे लगेगा तो वो बॉल भी खराब हो जाएगी। हमारी जो मोबाइल लाइन है इसमें पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने ज़रा सा पेशेंस खोया और वहीं आपका बना बनाया काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। लमसम मैंने काफ़ी उस बॉल को काट दिया है, अब मैं दोबारा फिर से उसी बॉल पे पेस्ट का प्रयोग करूँगा। आप देखेंगे मैंने पेस्ट लगा लिया है और मैं एक बार फिर से हीट मारूंगा, आप देखेंगे वो बॉल बन गई। अब मैं आपको साइज दिखाता हूं कि जो बॉल बड़ी थी उसका साइज परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। थोड़ा आईसी को ठंडा होने देंगे। अब हम क्लीन कर लेते हैं एक बार इसको। साफ करने के बाद
थोड़ा सा हम और साफ कर लेते हैं इसको। आईसी को जितना क्लीन करेंगे उतना ही बेटर है। अगर आईसी में कहीं एक्स्ट्रा बॉल रह गई और हीट मारते समय वो एक्स्ट्रा बॉल किसी और बॉल में टच हो जाएगी और वो बॉल बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए आपको आईसी को हमेशा क्लीन रखना है। अब आप देखेंगे कि मेरी आईसी की जितनी भी बॉलें हैं सारी बॉलें एक तरीके से हैं, कोई बॉल बड़ी छोटी नहीं है। जो बॉल मिस थी तो आपने देखा कैसे हमने स्टेंसिल से निकाल के उन बॉलों को वहां लगाया। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे कि ना तो आपकी कभी बॉल छूटेगी और ना ही कभी आपकी आईसी छोटी बड़ी होगी। उसका एक बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप किसी भी आईसी को क्लीन करते हैं, जैसे मैं इस आईसी को क्लीन करके दिखाता हूं आपको, आप देखेंगे इस आईसी को पहले मैं एक बार क्लीन कर लेता हूं। आप देखेंगे मैंने इस आईसी को जो है वो एकदम क्लीन कर लिया है, बॉलें सारी हटा दी हैं। कई बार क्या होता है कि आप आईसी को रिबॉल करने जा रहे हैं और आईसी को रिबॉल करते समय आप देखते हैं कि उस आईसी की कुछ बॉलों के जो पॉइंट हैं उन पे कार्बन की तरह ब्लैक ब्लैक सा जमा हुआ है और कुछ इस टाइप से, जैसे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं ऐसे ही उन पे आपको कार्बन टाइप का दिखता है। जिन पॉइंटों पे कार्बन काले कलर का नज़र आता है उन्हीं पॉइंटों पे वो बॉल नहीं बनती। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी भी आईसी को रिबॉल कर रहे हैं, तो रिबॉल करने से पहले हमें 138 पीपीडी का इस्तेमाल करना है। हम 138 पीपीडी का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस पे। ये हमने 138 ले ली है और उसके बाद हम इस 138 को पूरी आईसी पे घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। ये आप देखेंगे अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको एक डी सोल्डिंग वायर लेनी है। अब इस डी सोल्डिंग वायर से जितनी भी एक्स्ट्रा सोल्डिंग है वो हम वापस कर लेंगे, वापस ले लेंगे डी सोल्डिंग वायर से। आप देखेंगे मेरी जो आईसी की सारी बॉलें हैं वो परफेक्ट तरीके से एकदम चमकती हुई नजर आएंगी आपको। अब मैं आपको एक बार और क्लीन करके दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं जैसे कि मेरी आईसी की जितने भी प्रिंट हैं सारे बॉल बनने वाले वो बेहतरीन तरीके से चमक रहे हैं और इन पे परफेक्ट तरीके से सारी बॉलें बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। अगर आपकी किसी भी पिन पे कार्बन लगा रह गया तो वहीं वो बॉल नहीं बनेगी। अब बात करते हैं, आपको उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अब बात करते हैं छोटी बड़ी बॉल का कि आपसे छोटी बड़ी बॉल बन जाती है, तो छोटी बड़ी बॉल का एक उपाय है कि आप एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, वाइट कलर या किसी भी कलर का टिश्यू पेपर ले लें और इसके बाद आप जिस स्टेंसिल में उस आईसी को बैठा रहे हैं पहले तो आपको उस स्टेंसिल को बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे मेरी जो स्टेंसिल है वो क्लीन हो चुकी है। अब आपको परफेक्ट इसमें इस आईसी को बैठाना है। तो देख रहे हैं आप, मैंने जो ये स्टेंसिल है ये इस आईसी के ऊपर रख ली है। स्टेंसिल लगाने के बाद आपको आईसी की सारी बॉलें साफ नज़र आनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं एक एक बॉल स्टेंसिल में साफ क्लियर नज़र आ रही है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, पीपीडी लेंगे और आईसी बनाते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप कभी भी पीपीडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा 183 का इस्तेमाल करना है। अगर आपने 138 पीपीडी का इस्तेमाल किया तो उसमें आईसी के बॉल जो हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई होने के चांस रहते हैं।
तो इसलिए आपको 183 सेल्सियस का ही इस्तेमाल करना है। तो और कम से कम पीपीडी का इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे हमारी जो आईसी है, अब हम इसमें पीपीडी फिल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आपको हल्के हाथों से उसको पीपीडी को फिल कर देना है। हमारी सारी जो बोले हैं उन सभी बोलों में पीपीडी क्लियर साफ भरी हुई नजर आनी चाहिए। और इसके बाद हम लेंगे एक बैंड ट्वीजर जिससे इसको होल्ड कर लेंगे, और उसके बाद एयर डाउन करके हम इसमें हीट मारेंगे जिससे कि हमारी बोलें जो हैं वो बन जाएंगी। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं सारी बोलें बन चुकी हैं हमारी। आपको चिमटी को जब तक नहीं हटाना है जब तक ये सारी बोलें सूख ना जाएं। अब आप कहेंगे ये तो हम भी करते हैं मगर फिर भी बोलें छोटी बड़ी बन जाती हैं। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना है एक सर्जिकल ब्लेड लेना है इस तरीके से, और जितनी भी एक्स्ट्रा बोलें उसको आपको कट करना है कुछ इस तरीके से। ये देखेंगे आप जितनी भी एक्स्ट्रा बोल है वो सारी कट हो जाएगी। देख रहे हैं आप इस तरीके से आपको सारी एक्स्ट्रा बोल कट कर लेनी है, और फिर एक बार ट्वीजर का इस्तेमाल करेंगे बैंड ट्वीजर का, फिर से होल्ड करेंगे इसको। ऐसा करने से कभी भी आपकी कोई भी बॉल छोटी बड़ी नहीं बनेगी। अब हमारी जो आईसी है वो फाइनल पे है, और एक बार मैं आपको चेक कराता हूं। एक बार मैं इस आईसी को निकाल लेता हूं। आप देखेंगे हमारी आईसी बाहर आ चुकी है, इसे क्लीन कर लेते हैं। साफ दिख रहा है दिव्या मैम? थोड़ा सा थिनर ले लेंगे क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा बॉल आपकी चिपकी हुई ना रह जाए उस आईसी पे। अब आप देखेंगे मेरी जो आईसी है, थोड़ा सा कचरा इसको साफ कर देते हैं। दिख रहा है दिव्या मैम? अब आप देखेंगे मेरी जितनी बोलें हैं सारी एकदम परफेक्ट हैं, और आपको थोड़ा सा 19-20 दिख रहा होगा कि ये बोलें मेरी थोड़ी सी आगे की तरफ हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं इसमें पेस्ट लगा के अभी हीट मारूंगा और सारी बोलें अपने आप अपनी जगह बढ़िया तरीके से फिट हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट लगा कर। ट्वीजर से होल्ड कर लेंगे इसको, और एक बार मैं फिर इसमें हीट मारता हूं। आप देखेंगे मेरी बॉलें हैं उस सारी एकदम परफेक्ट अपनी जगह आ चुकी हैं। सारी बॉलें एक सार एक लेंथ और एक भी बॉल आपको डिसमैच नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे आप किसी आईसी के ऊपर काम कर सकते हैं, और आईसी बनाने की जो समस्या है और जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी, उम्मीद है हमारी इस वीडियो से अब आपको वो समस्या नहीं आएगी। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में एडवांस लेवल पर सिखाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट
किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।